प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, अपने आप में मरे। जिस तरह मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 की 24 आयत में लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप में जीवित हैं तो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं बल्कि अपनी तरफ होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल। क्रूस उठाने का मतलब है कि अपने आप में मरना। बाइबल में जब हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने उसको बोला कि अपना घर, परिवार, देश, अपना सब कुछ छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम बिना कुछ सोचे चला गया, क्योंकि वह अपने आप में मरा हुआ था। उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। अगर अब्राहम अपने आप में जीवित होता तो वह परमेश्वर से सवाल करता कि परमेश्वर, मैं अपनी पत्नी को लेकर कहां जाऊं? लेकिन उसने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया और परमेश्वर पर विश्वास रखकर चला गया और परमेश्वर उसको आशीषित करता गया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना आए तो वह परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए वह अपनी आशीष को नहीं ले पाते, क्योंकि वह अभी तक अपने आप में जीवित है। वह परमेश्वर से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी आशीष से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप हर हालात में परमेश्वर की महिमा करते हैं तो फिर आप अपनी आशीष को, गवाही को, छुटकारे को पाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, लेकिन जब वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने घर, परिवार को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला, तो उस समय उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था और उस समय वह 75 साल का था। और जब उसका बच्चा हुआ उस समय वह 100 साल का था। 25 साल तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, जिसका परमेश्वर ने वायदा किया था। लेकिन अब्राहम फिर भी परमेश्वर के साथ चलता रहा, क्योंकि उसका ध्यान अपनी आशीष की तरफ नहीं था कि परमेश्वर, पहले मुझे आशीष दे तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। वह बिना आशीष की परवाह किए बिना परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया था और वह अपने आप में मरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वह सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति था और प्रभु यीशु मसीह भी उसके वंश से पैदा हुए। इसलिए मेरे प्रियो, अब्राहम के जैसे बिना किसी चीज की परवाह किए परमेश्वर के साथ चलते जाएं। अपने भरोसे को अब परमेश्वर पर रखें और अपने आप में मरते जाएं, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और आप अपनी आशीष को, छुटकारे को और गवाही को ग्रहण कर सके। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अब्राहम की तरह आपके पीछे चलूंगा और अपने आप में मरता हुआ और अपनी क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हालेलुया।